Hi everyone, it's 5 AM. I don't want to go back to my previous routine. बहुत मेहनत करके मैंने रात में सोना स्टार्ट किया था, मगर जिस तरह से सर्दियाँ आ रही हैं, बुरी आदत वापस आ रही है. आई डोंट वॉन्ट टू डू इट. आई लाइक टू स्लीप एट नाइट. और मुझे दिन अब आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक. आई फील वेरी देर इज समथिंग अबाउट द मॉर्निंग्स एंड द डे एंड द सन. अब मुझे ना उसको देख के बहुत ही आई रोमेंटिसाइज अबाउट इट. आई फील वेरी गुड. उसके अंदर मुझे ना एक खूबसूरती नज़र आने लगी है. तो हम क्या बात कर रहे थे कि अभी सुबह के 4 से ऊपर टाइम हो रहा है और हम नज़रियाए नादिर को सुनने वाले हैं. लास्ट टाइम मैंने चैन के पहले रैप को रिया किया था, फर्स्ट टाइम. इट वॉज अमेजिंग, आई लाइक डैट. और मैंने ये बोला था कि ही शुड कीप मेकिंग म्यूजिक. जो भी उनका है ओपिनियन, मच रिस्पेक्टेड. बहुत हम ग्रेटफुल हैं चैन के लिए और पाकिस्तानी म्यूजिक के लिए, पाकिस्तानी कंटेंट के लिए. आई ऑलवेज अप्रिशिएट इट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम. पर मेन थिंग इज कि आपको यू हैव टू कीप डूइंग इट. और ये मैं वो बंदा कह रहे हैं जो 5 दिन से मिसिंग था सीन से. आई एम वेरी सैड नाउ अडेज. प्रॉबली मुझे लगता है कि इट्स द वेदर, द फॉल इज कमिंग और थोड़ी थोड़ी सर्दी है, तो आई फील वेरी लोनली ऑल ऑफ द सडन. खैर, तो मैं आज बहुत बुरा फील कर रही थी. फिर हमने इंडियाज़ गॉट लैटेंट की एपिसोड देखी और फिर हमने, हाँ, समथिंग गुड हैपन टुडे. गुर नज़र, अ वेरी बिग इंडियन सिंगर, सॉन्ग राइटर, कॉमेंटेड ऑन माई वीडियो. उस पर कुछ ज़्यादा व्यू है भी नहीं, फिर भी मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ. ही कॉमेंटेड, और वो वीडियो में मैंने उनके लिए बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे. मतलब मैं बहुत ही, आई केम वेरी रॉ, आई वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. और आई होप कि अगर चैन के कभी ये वीडियो देखे तो वेदर यू लाइक इट और डोंट लाइक इट, एटलीस्ट ड्रॉप अ कॉमेंट कि आई, मेरा अपना ओपिनियन है. आई कांट बी फेक विद यू गाइज, है ना? दैट इज द पॉइंट ऑफ द होल चैनल. तो हम लोग जाएंगे. मैं, आई हैव अ सोर थ्रोट और मेरा गला कल परसों तक और बहुत ख़राब हो जाएगा. तो मैं, आई वुड नॉट बी मेकिंग वीडियोज़ प्रॉबली. तो मैं आज के दिन निपटाऊंगी पूरा काम. अच्छा, नज़रिया नादिर जो के बारे में अगर हम बात करें, वो आंसर है बेसिकली चैनके का जो प्रीवियस हमने गाना असली हिप हॉप 3 प्रॉबली उसको रिया किया था, और उसके जवाब में नज़रिया नादिर उन्होंने अपलोड किया, विच इज़ ऑल्सो गोइंग वायरल, काइंड ऑफ वायरल. अगर उसको अच्छा व्यूज आ रहा है, इट्स ग्रोइंग, तो हम सुनते हैं उसको. और चलो सुनते हैं, है ना? हाँ सुनते हैं, फिर करते हैं उसके बारे में बात. एक तो बुरी बात यह है कि इसको 11 दिन हो गए हैं. जब ये रिलीज़ हुआ था उस दिन मैंने सोचा था मैं इसको रिएक्ट करूँगी, मगर आई एम लेट. और चलो खैर है ना? और क्या, कितना ही व्यू दे, तुम क्या दे दोगे, है ना? लेट्स गो, आई एम एक्साइटेड. नजरियाए नादिर, नादिर इनका असल नाम है ना? चलो एक्साइटेड. मेरे बाल देखो. ओके, लेट्स, चलो 3 2 1 गो. दिल्ली वादू पर्सपेक्टिव नजरिया. या तो मैं या शहर ये जाहिल सारा, मतलब हकीकत का बातिल बता रहा. मेरी माँ से दुश्मन तक को मीठा लगे खारा, जिसने कामयाबी पाली जो जीता लगे हारा. इन्हें खाई को ही दूर लगे धूल मिट्टी, इन्हें नूर लगे माँ बाप मजहब पे मूत रहे ना मेहरम बच्चे धूप चके तब वाइफ है. इन्हें हूर लगे जानी बीवी का रूप लगे, अल्लाह तक पहुंच इनकी पर सितारे पूज रहे.
तभी दुनिया से कट के रहूं सबके तरीकों से बच के खुश मैं इस छोटे से घर में ये पूछे किराए का या अपना निकम में सब ये रहते सारे डर में लोग क्या कहेंगे इनका मजहब ये मुझे कैसे समझेंगे मिट्टी के मटके हसद अजाजील की समझ जो नहीं सकते जो सजदे समझ नहीं सके फरिश्तों के जो दारू जिस्म इनका हिस्सों में आंखें भरे कुफर फरेबी किस्तों से सबक ये ढूंढे झूठे किस्सों में फायदा लूटे ये सच्चे रिश्तों से हवस और लालच इनके जिस्मों में शहर छोड़ दे ना दे मुझे मेरी छट्टी हिस बोले ये बोले शहर की आबादी कुफर दजल झूठ में रहने की आदि औरतों में भूखा ना मर्दों वाली चांद में सूरज की आग लगा दी बेटियां परवरिश में ऐसी माँ की जो समझा नहीं सकी क्या कामयाबी नजरे मर्दों की झुके ना जरा भी कमाना जरूरी भाड़ में गई शादी मिलेगी आजादी तो कपड़े उतार गैर मर्दों को दे शोहर का खुमार बेटे बाप को भी घर गाड़ी का बुखार दफा करे मान तू हैसियत सुधार खा गया जमीर मर्दों का कुफार जमीन मेरी लाश की तरह बदबूदार सारे अस्पताल ये तिजारत दुकान कवानीनों कवायद की रिश्वत खुराक चुप करवाता नहीं हिस्सा जमीर को चाकों पे चाके झूठ पे चुरा खोप रहा हूँ लाखों के छाते पे मारू मैं डाके गानों में लाके सच अकल खोल रहा हूँ बातों पे बातें दिमागों पे ताले लाशों के नारे मजहब इन पे थोप रहा हूँ जिसको जो करना है करे मरे मेरी तरफ से मैं तो बस यहाँ बोल रहा हूँ क्या बंदूक रखी मैंने सर पे तेरे या आ गया क्या मैं घर में तेरे जो मैं बोल रहा हूँ सच्ची तो बोल रहा हूँ कि तेरे दिल को हवस भर भर के तेरे दिमाग को गंदा करके भरते जब ना मायूसी है इसी चर से तेरे तुझे जो जिंदा दिखाई दे मर के रहते पसंदीदा कीड़े गटर के तेरे लिखारी कलाकारी जो सारे रहते थे मेरी और तेरी तरह ये स्कूल से रोज ये पढ़ बढ़ के आते फिर खाते रोटी दाल अपनी माँ से मशहूर सा कोई भी दूर पर उठा ले थोड़ा सा तंग घर के हालात से टूटे हुए तारों के माजी में बुरे हालातों से पैदा होती कला ये हालात अपने रैप के जरिए बताते और मर्द हम सारे एक ही तरह के लड़कों को इनकी रैप में दिखे अपनी जिंदगी सुनते इनको दिन रात ये व्यूज पे व्यूज मशहूर इनके गाने रेवेन्यू रैपर्स में लालच जगा दे मशहूरी तहजीब मजहब बुलवा दे देखे तो ये देसी पर कालों को छापे जब इन मुजरिमों पे करूँ हमला मैं तुझे पता भी है कि तू तप्त है क्योंकि तू हारे हुए लड़कों निकम्मों को हराम खोरों को ब्रांड समझता है मौसिकी में छुपे तू अल्फाजों को सुन तेरा पसंदीदा क्या वक्त है फिर तुझे तेरा ये आइडल भी सुअर लगेगा जो हक है वो ये निगल्स है पखाना ये फैंस को खिलाते दिखाते मॉडल नंगी आदि फिर हवस वालों के व्यूज पे इतरा के कमा के गंध कहते कामयाबी अगर कोई सच झूठों को चका दे चिल्लाते टुपाक ने सब ये किया नहीं बड़ा तू हम सबको आया है सिखाने छोड़ दे रहे मुसलमान तू इतना ही मुनाफिक है हराम है मौसीकी हराम ये हलाल वो हलाल ये हराम वो एक सफा भी तर्जुमा का पढ़ाने चलाएं जबान वो गूगल से छापे हदीसें दे लेक्चर इनके बस काम दो सुभाना रब्बी अल्लाह का मतलब तक नहीं पता है सवाम को ठीक है शोभा हराम मेरा समझ लो फिर मोहम्मद अली मैं ये मौसीकी रैप छीन लूंगा इदली से मुनाफिकत से मोहब्बत करी मैंने इल्यूमिनाटियां फितना मैं कभी कभी मुझसे तो दज्जाल मिलने आता है सवाल मेरा तुझसे अगर मैं मुनाफिक तो तू क्या इधर अपनी माँ देने आया है चल तेरे मुताबिक मान लिया कलाकारी में होती कोई हद नहीं फिर कुत्ते की नस्ल भौंक के क्यों तुके रैप्स में लाते मजहब नहीं सब नहीं रिलेट कर पा रहे ये तेरे रैप गाने से जैसे मैं मर रहा हूँ सबको सुनाने में करे रिलेट नहीं तो मैं क्या करूँ भाई अगर इनके दिलों में रब नहीं जबान मेरी गुस्से में चले तो कभी कभार मैं भी कर लेता हूँ बदतमीजी फिर मौत की भी परवाह नहीं होती जैसे मैं कोई बहादुर सा फलस्तीनी बादल का कातिल मैं झूठों में शामिल नहीं कुर्बानी कर दी इस जिंदगी की दुआ करना नादिर मशहूर ना हो जाए तबाही कर देगा ये इंडस्ट्री की बनाता रहूंगा शाहकार फिर गधों को डिस करूंगा बार बार ताकि जब मैं रब के लौटूंगा दरबार डिस्कोग्राफी से भी करूंगा मारधार ये हार जीत वाला सीन नहीं है समझेंगे कैसे चढ़ी इनकी है नहीं सी करेंगे ये गायब करियर तबाह उसका जिसने खराब कर दी इनकी लेगेसी जब मैं बोलूं तो चरसी दिमाग में कौन सा नाम आ रहा है जब नेपोटिज्म भी बरखूले मुंह लगता है जैसे कोई बच्चा गा रहा है करूं मशहूर मेरे दुश्मनों को मेरा जमीर खुद भी यही चाह रहा है देख कैसे गंद दिखाए बगैर फीट पे तेरी मेरा कमाल काम आ रहा है ये सिंगर्स और वानाबी रैपर्स तो पहला कदम मेरी पहली ये सीढ़ी है आगे मॉडल्स और एक्टर्स पॉलिटिशियंस भूषण कुमार डी सीरीज है इंडस्ट्री ये पूरी हकीकत बदल के सचा के गुनाहों को जीती है डिस करने की वजह मेरी सीधी है क्योंकि इंसानों के काम इब्लीस है देखे आशिकी बच्चे मूवीज में शादी से पहले बने जोड़े फिर दुखी गाने डिप्रेशन से भरे बना के टूटे दिलों को ये तोड़े कुछ भी नहीं कर सकता इनका तू नादिर जितना भी मचा ले तू रो ले तो मैं कुछ करना भी नहीं चाहता मैं तो मजा लूं बस इश्क हकीकी का होके हाउ कूल हाउ अमेजिंग अमेजिंग मुझे नहीं पता इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पहले डिस्कस किया जाए या फिर उसका जेस्ट उसका जो थीम है उसका जो मतलब है उसको डिस्कस किया जाए व्हाट अबाउट वी स्लीप एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट अमेजिंग
पहले तो मैं ना ये कहूंगी कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड गाय है ना. उसकी राइमिंग को अगर आप देख लो, उसका केडेंस को आप देख लो, उसका डिलीवरी देख लो, ब्यूटीफुल राइटिंग, लिरिसिज्म ऑन इट्स पीक, और हर चीज़ें रिपीटेड कुछ भी नहीं. ऐसे कि 1500 फिलोसफीज़ को, एक पूरी किताब को एक उसमें डाल दिया जाए, एक सॉन्ग में डाल दिया जाए. द लिरिसिज्म, उसका वो कंटेंट इज डीप एंड इट्स अलॉट. जो मैं कहना चाह रही हूँ कि इट्स टू मच एक्चुअली. तो उनकी लिखाई नज़र आ रही है उसमें, और फिर राइमिंग नज़र आ रही है, और फिर खूबसूरत वर्ड प्ले, खूबसूरत गुड स्टफ. टेक्निकली आई वुड गिव इट 9. अब जो थीम है, आई एग्री विद हिम ऑन मोस्ट पार्ट्स. लाइक 10 में से 8 बातें ये ठीक कर रहे हैं, 8 बातें ये ठीक कर रहे हैं. ऑफ द फेम, द मनी एंड दीज थिंग्स डोंट मैटर, बट पीपल प्रायोरिटाइज देम. रिलेशनशिप में हो, इवन आपके, मतलब वो जो भी उसने पेरेंट्स का रेफरेंस दिया, उसने पार्टनर का रेफरेंस दिया, उसने, मुझे वो वाली बात बड़ी अच्छी लगी कि अगर आप पैसे कमा रहे हो तो ठीक है, यू कैन गेट मैरिड. अगर कोई नहीं कमा रहा है तो दे वॉन्ट अलाउ हिम. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे दीज आर हार्ड कोर ट्रूथ. इट्स पेनफुल. और सबको ये पता. अच्छा, इसमें मैं ट्विस्ट तुमको एक बताती हूँ. आप जिस बंदे के साथ भी बैठोगे, उसको इन सब बातों का पता है, और वो आपसे अग्री करेगा कि हाँ, ये मनी डजेंट मैटर, फेम डजेंट मैटर, आपका स्टेटस डजेंट मैटर. हर कोई अग्री करेगा, हर कोई अपने एक्शंस को जस्टिफाई करेगा. फिर आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद द सोसाइटी. द सोसाइटी इज मेड बाय अस ह्यूमंस, राइट? हम लोग उसका हिस्सा हैं. हम सब इंडिविजुअली कह रहे हैं हम ठीक हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं, सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए. मगर फिर ये ख़राब कैसे है? समझ आ रही है कि हमारे एक्शंस अलाइन नहीं करते, और अलाइन कर भी नहीं सकते, और हम करवाना चाहते भी नहीं हैं. कोई भी सर्कल को ब्रेक भी नहीं करना चाहता. जब आपकी सोसाइटी, हम बैठ के ना बड़ी बातें आराम से कर देते हैं ना, सोसाइटी में ये गलत है, सोसाइटी में वो गलत है, सोसाइटी आपको ऐसे करने पे मजबूर कर रही है, वैसे करने पे. फिर हमारी बारी आती है और हम सोसाइटी को फॉलो करते हैं. और जब हम किसी एक इंसान को देखते हैं कि जो कि सोसाइटी से थोड़ा सा हट के चल रहा है, तो हम उसको जज करते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो वापस उस ट्रैक पे आए, सोसाइटी के ट्रैक पे. समझ रहे हो आप? कि हम मेक श्योर करते हैं कि कोई भी इस मैट्रिक्स को एस्केप ना कर पाए. तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि हम लोग बातें करने को 100 बातें हैं, ठीक बातें हैं. आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दैट. व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? व्हाट टू डू अबाउट दिस? वॉट टू मेक ऑफ दिस? बहुत ही अच्छा गाना. मैं इसको डिफरेंट थोड़ी सी डायरेक्शन दूंगी रिएक्शन को. ऑन हिज पार्ट, चैन के, बड़ा ही सिक्योर आर्टिस्ट है ये. ठीक है, मैंने मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ये बात कही थी कि आप लोगों को पहले यू गो ऑन टॉप देन स्टार्ट प्रीचिंग, है ना? वरना आपकी बात अगर 2 लोग सुन रहे हैं, तो आप पहले 100 को सुनाओ, फिर कुछ डिफरेंस आएगा. तो मेरे ख्याल से हर किसी का पर्पस ये है भी नहीं कि सब उसकी बात सुने, या वो प्रीचर हो, या उसको समझा जाए. अभी बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ तुमको मैं. दुनिया के जो बड़े फिलोसोफर्स रहे हैं, बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, वो हमेशा मिसअंडरस्टूड थे. और अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी करना है, यू विल ऑलवेज बी मिसअंडरस्टूड. ये बकवास बात है अगर आप कहो कि ओ, मेरी बात को वो नहीं समझ पाता, ये नहीं समझ पाता, या मुझे गलत परसीव करते हैं लोग. इट्स बाउंड टू हैपन, इट्स गना हैपन. और आपको, यू हैव टू मेक पीस विद इट. तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि भाई, ये मेरे को करना भी नहीं है, मुझे व्यूज़ लेने भी नहीं है, मुझे पार्टनरशिप चाहिए भी नहीं, मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए भी नहीं. दैट वॉज गुड. आई लाइक द वीडियो. मुझे वो वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा था जिसमें पूरा बैंडेज था फेस पे, और ही वॉज ट्राइंग टू
to take his eye out. He was trying to do something about the face. कुछ उसका था, कुछ उसको फिक्स करने की कोशिश की जा रही थी. मैं उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाई और मैं उसको डिकोड नहीं कर पाई हूँ. ओवरऑल अमेजिंग स्टाफ, अमेजिंग स्टाफ. अगर मेरे से पूछा जाए तो जस्ट प्रोड्यूस मोर म्यूज़िक, इट्स गॉड. पीपल डेफिनेटली हैव अ टेस्ट फॉर दैट. आपके लिए डेफिनेटली वैकेंसी है इस तरह के म्यूज़िक के लिए. और मैं तुमको एक आर्टिस्ट की बात बताती हूँ. कुछ लोग, एक तो ये एक पर्सपेक्टिव है ना कि सम पीपल आर अहेड ऑफ देयर टाइम्स, तो वो कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिनकी बात उनको 20 साल बाद समझ आएगी, जो बातें लोग बहुत लेट समझ पाएंगे. ठीक है, दूसरी बात ये है कि यू हैव टू स्टिक टू योर रियलिटी, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, है ना. पहली बात तो ये कि हम लोग इंडिविजुअली सब लोग डिफरेंट होते हैं और हमको खुद को ओन करना चाहिए. जो मैं हूँ मैं हूँ, किसी को देख के ऐसे नहीं कि मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊँ और मैं उस रूट पे चली जाऊँ, तो फिर मैं खुद को धोखा दे रही हूँ, है ना. तो चैन के इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. उसके डिफरेंट गोल्स हैं, उसका डिफरेंट हिसाब किताब है, उसके डिफरेंट वैल्यू सिस्टम है, जो कि उसको उसके साथ स्टिक करना चाहिए. उसको अपने टाइप के लोग मिल जाएंगे, अपना ऑडियंस वो जनरेट कर लेगा, अपना फैन बेस उसका हो जाएगा. मैं देखती हूँ नीचे लोग कमेंट करते हैं, पीपल आर इंटरेस्टेड इन हिज म्यूज़िक. मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि और डिफरेंट वीडियोस पे कि इसको रिएक्ट करें और चैन के पुराने गानों को रिएक्ट करें. तो इसका मतलब ये कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपके साथ अग्री करते हैं, आपका म्यूज़िक उन तक पहुंचता है, उनको सेंस बनाता है, उनको हेल्प करता है, उनको डायरेक्शन देता है. तो वो अच्छी बात है बहुत, और वो करना चाहिए. आई वांटेड मोर. जहाँ तक वो हार्ड कोर ट्रूथ्स की बात है, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट. मैं ये नहीं कह सकती कि मैं फिक्स करूँगी या मैं कन्विंस करूँगी, क्योंकि फिर वो आई वुड बी लाइंग टू माई सेल्फ, है ना. जैसे यू हैव टू कीप योर पर्सनैलिटी, आई हैव टू कीप माइन, तो वो वाला हिसाब है. सेकेंडली, मेरा जो गला है वो कह रहा है खुदा हाफिज. इतना सख्त मेरा गला ख़राब है कि सोरनेस आपको पता नहीं फील हो रही है कि नहीं हो रही, पर इट्स हर्टिंग व्हाइल आई एम स्पीकिंग. तो मैं तो 20 मिनट और बात कर सकती हूँ, बट 2 दिन के लिए मेरी, मैं बिल्कुल आई गो म्यूट. हमको वो थोड़ा बचा लेना चाहिए. और मैं आई सी यू गाइज द नेक्स्ट क्या आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट चैन के रिएक्शन. आई होप के फ्रेश म्यूज़िक हो. इन्होंने ना जिस टीम के साथ मैं काम करती हूँ, इस्लामाबाद फिल्म्स के साथ, फ़हीम उनका एडिटर है, अमेजिंग है, और 6 साल से उनके साथ मैं काम कर रही हूँ. उन्होंने एक चैन के की वीडियो को डायरेक्ट, नो डायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट, दे शॉट हिज वीडियो एंड देन एडिटेड हिज वीडियो आई थिंक. और वो मुझे नहीं पता कि कौन सा गाना है और वो कब रिलीज होगा और कब हम उसको रिएक्ट करेंगे, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और आई होप कि जल्दी ही हमको मिल जाए और फिर हम उसके बारे में बात करें. आई सी यू गाइज, गुड मॉर्निंग. और बहुत सारी बातें, बट आई डोंट नो इफ इट्स मीनिंगफुल या वो. I'll see you guys. Let's not make it more awkward. Good morning. Take care. Subscribe. Follow me on Instagram. Dad Mamuna. Bye. Love you. Good night. Kya zui. Good morning.